हेलो एवरीवन, आई होप सबका अच्छा खासा चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो डोंट वरी, MBACET एग्ज़ाम आपको क्यों देनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि MBACET 2023 बहुत ही ख़राब था, अभी मुझे रिपीट करना है, तो मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि रिपीट क्यों करना है और क्यों नहीं करना। बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो है, पूरा आप देखना। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि MBACET इज़ अ मेजर एग्ज़ाम, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप MBACET एग्ज़ाम ही टारगेट कर रहे हो तो बहुत कुछ मिस भी कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक रिचुअल कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। यू कैन सी देयर आर मेनी वीडियोस दैट आर गेटिंग अपलोडेड, वेबसाइट पे बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि सीईटी एग्जाम क्यों देनी है। फर्स्ट रीजन इज, आपको ये एग्जाम देने के बाद कोई भी GDPI या फिर VATPI नहीं देना होता। डायरेक्ट सिलेक्शन होता है कैप राउंड थ्रू। तो GD इज ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, VAT इज रिटन एबिलिटी टेस्ट, नो एक्सटेम्पो, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंट्रोवर्ट है या बात नहीं कर सकते, या फिर दे आर स्केर्ड ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक, स्टेज फियर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन है अच्छे, इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यस, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मदद करती है। नो GDPI VATPI। इसका फ्लिप साइड भी है कि अगर आप GDPI VATPI नहीं कर रहे हो तो जो क्राउड सॉर्टिंग हो रही है, जो फिल्टर हो रहा है, तो उसके बाद जो आपके साथ लोग हैं वर्सेस जो IIMs में या फिर टॉप MBA कॉलेजेस में मिलेंगे जहाँ पे फिल्टर लगाया जाता है, देर विल बी अ डिफरेंस। यस, देर विल बी अ डिफरेंस, एंड वो डिफरेंस आपको समझ में आएगा। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, देर इज़ अ डिफरेंस इन द क्राउड, क्योंकि आप क्राउड में रहने वाले हो, बाहर से बहुत कुछ सीखने वाले हो, उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने वाले हो, तो इट विल हैव अ ह्यूज ह्यूज इम्पैक्ट। सेकेंड रीज़न है कि यहाँ पे ना आपको ये एक ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पे जो ओवरऑल सिलेबस है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल एंड वो हिसाब से आपको जो कॉलेजेस मिल रहे हैं, टॉप 3, टॉप 4 या टॉप 5 की लिस्ट पकड़ लो, वो बहुत ही अच्छे है। उसके बाद सैलरी कम होती जाती है। JBIM, सिडनम, वेलिंगकर, पुम्बा, SIES, COEP, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अगेन वो सैलरी रेंज जो है वो डीप होती जाती है। तो यहाँ तक अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे 10 लाख के ऊपर सैलरी कमानी है, या आपने ऑलरेडी प्लान कर लिया है, देन यू कैन टारगेट कॉलेजेस अकॉर्डिंगली, करेक्ट। तो दो रीजंस हो गए, एक GDPI, एक टॉप लिस्ट कॉलेजेस जो आपके हाथ में है, आप टारगेट कर सकते हो। अभी फ्लिप साइड देखते हैं कि यार चलो, दो रीजंस तो है जिसकी वजह से मैंने रिपीट करना चाहिए, है ना, लेकिन क्या मैंने ये रीजंस एज्यूम करके ही रिपीट करना चाहिए? द आंसर इज नो। बिकॉज पहला फ्लिप साइड या फिर कौन है कि सीईटी एग्जाम बहुत ही अनसर्टन है। आपको पता है 2023 में क्या हुआ, टेक्निकल एरर की वजह से दो अलग अलग सेशंस में सीईटी एग्जाम कंडक्ट हुई है। तो ये हमेशा का हर साल का सीईटी सेल का प्रॉब्लम है जो मिसमैनेजमेंट की वजह से स्टूडेंट सफर करते हैं। यस, एग्जाम ओवरऑल बहुत अनसर्टन है, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस होने वाला होता है, उसका भी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज को लूज करते, बिकॉज दे डू कन्वर्ट मेनी कॉलेजेस फ्रॉम दिस लिस्ट। ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, IIM दिल्ली या इन जनरल IIMs एंड नॉन IIMs की जो लिस्ट है, यहाँ से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे आप जा सकते हो। सैलरी रेंज बहुत ही सही है, आप देख सकते हो एवरेज सैलरी 10 लाख के ऊपर बहुत सारे कॉलेजेस है, एंड IIMs की तो क्या ही बात करें ना। IIMs भी है जहाँ पे सैलरी नंबर्स बहुत ही ऊपर जा रहे हैं। अभी नॉन IIMs में जो टॉप कॉलेजेस है, FMS, MDI, माइका, IIMT गाजियाबाद, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है, तो यहाँ पे जाने की अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। अगर आप CET के साथ CAT, ZAT, SNAP, NMAT ये भी एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, इवन CMAT, तो बहुत सारे चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं कि आप अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो जहाँ पे आपको स्कोर तो अच्छा करना ही है, लेकिन उसके साथ VAT, GDPI के लिए प्रेपरेशन भी करना होगा। इतना टेंशन मत लो, बिकॉज ये इतना बड़ा पड़ाव नहीं है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। देखो सैलरी रेंज यहाँ पे देखो वर्सेस सैलरी रेंज यहाँ पे देखो, तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो। आप सिर्फ इन केस सिर्फ सीईटी टारगेट कर रहे हो, बिकॉज सीईटी के अलावा एक बड़ी दुनिया है जहाँ पे आपको जाना है, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। एंड अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि अरे नहीं यार मुझे इतनी यही अपॉर्चुनिटीज चाहिए जो सीईटी थ्रू मिल रही है, तो दैट इज़ गुड। आपको ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, है ना। अगर आपकी हाई एम्बिशंस है, एस्पिरेशंस है, अच्छी खासी सैलरी कमानी, अच्छा खासा टैग चाहिए कॉलेज का, देन ये जो पेज है ना ये आपके लिए है। दोनों लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको देखना है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एकदम प्रॉपर मेथड से दिया है, बहुत बड़ा लिस्ट चाहिए,
तो आप आराम से जा सकते हो। जेवियर लीग का भी इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके बाद सिम्बॉयसिस लीग है, देन NMIMS की लीग है, MDI लीग है, IMT लीग है, ग्रेट लेक्स की लीग है, वेलिंगकर है, फिर टॉप नॉन आयम्स है। तो ये सब डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से जाओ, ये डेटा देखो, समझो कि यार मुझे क्या सैलरी चाहिए आफ्टर MBA, क्या लाइफ चाहिए मुझे आफ्टर MBA, देन आप डिसीजन ले पाओगे। सो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप डेफिनेटली CET टारगेट करो, लेकिन नॉट एज अ मेजर एग्जाम, बट एज अ यू नो पैरेलल एग्जाम, या फिर ऐसी एग्जाम जो आपका लास्ट बैकअप है। आपका फर्स्ट टारगेट कैट ही होना चाहिए। एंड अगर आप अब्रॉड प्लान कर रहे हो तो वो अलग बात है, दैट इज टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। लेकिन यस, आपको समझना है कि आपके लाइफ के साथ आपको क्या करना है आगे जाके, तो ये अभी से प्लान करना स्टार्ट कर दो। ये शॉर्ट टर्म गेन वाला चीज मत देखो कि यार मेरे को एक कॉलेज मिल जाएगा फिर मैं बिल्टअप कर लूंगा स्किल बिल्डिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। यस, कॉलेज मैटर करता है लॉन्ग टर्म में, तो वो आपको शायद अभी ना पता चले, बट यस अभी आप ये ब्लाइंड गेम खेल सकते हो। लेकिन प्लीज सब कुछ छोड़ के ये एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना भी गलत बात है, बिकॉज देन यू आर लूजिंग ऑन लॉट ऑफ टाइम। एंड जो बाद में आप सिलेक्शन के लिए जाओगे वहाँ पे भी जो सिलेक्टर्स है कॉलेज में वो आपको पसंद नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ ये एग्जाम्स में घुसे हुए थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके साथ अगर आप फ्रेशर हो तो इंटर्नशिप भी कर लो यार। सो आई थिंक दैट्स इट। वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, बहुत सारा डेटा यहाँ पे भी आ रहा है, आप देख सकते हो रिसेंट पोस्ट में डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, Top 10 हाई पेइंग जॉब्स 2023। तो ये ऐसे आर्टिकल्स है जो आपने पढ़ने चाहिए, आपके फायदे के है। दैट्स इट। अगर आपको और भी कुछ यू नो टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा डेटा ऑलरेडी है। स्पेशलाइजेशन क्या होते हैं, शॉप सेक्शन में बुक्स, सर्टिफिकेशंस, देन एंट्रेंस नोट्स, लॉट ऑफ डेटा दैट विल हेल्प यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।